आज मैं एक वीडियो देख रहा था, शायद कोई पागल गायक है जो अपने आप को बहुत बड़ा गायक समझ रहा है। वो ममता पे उंगली उठा रहा है, माँ और बेटे के रिश्ते पे उंगली उठा रहा है। ये कहीं से जायज नहीं है और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। और उनका साथ कोई महाभारत के कुंती और कर्ण की कहानी सुनाकर कह रहा है, तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि कुंती की मजबूरी और कुंती की आंसू क्या आपको दिखता नहीं है? कुंती जब मजबूर थी तो किस परिस्थिति में थी, और पूरे महाभारत में कुंती रोती रही पुत्र वियोग में, वो भी आपको नहीं दिखा। कैसे माता पिता आपको संस्कार दिए हैं, ऐसे ही संस्कार मिला है आपको? आप इतने बड़े स्टार हैं, शर्म आनी चाहिए माँ के ममता पे उंगली उठाते हुए। हर समाज के लोगों की माँ बहन माँ होती है, माँ माँ होती है, माँ पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। आज आपको शर्म आना चाहिए और पूरे समाज के सामने आकर आपको माफी मांगना चाहिए, उस माँ और पिता से माफी मांगना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ एक महिला कलाकार को जो उसी मंच से उनका विरोध कर रही है। आपके अंदर भी माँ का ममता छिपा है, आप समझ सकती हैं। आप उस लायक हैं कि आपका समर्थन पूरा समाज करे। उस महिला कलाकार के लिए मेरे दिल में हमेशा जगह रहेगी। आप आगे बढ़ो, ये मेरा आशीर्वाद है एक बड़े भाई होने के नाते। समाज के सभी लोगों से कि इस पागल गायक का, माँ के ममता पर उंगली उठाने वाले गायक का, आप सभी जमकर विरोध करें कि यह फिर गायक ऐसा उंगली ना उठाए। यह हर किसी की माँ की बात है, माँ बेटे की बात है। 130 करोड़ की जनता इस सभी की माँ होती है, और 16 करोड़ चला ही जाएगा। 130 करोड़ लोग अगर 16 करोड़ दे ही देते हैं तो क्या घट जाएगा? अगर ऐसा कुछ हो ही जाता है तो क्या दिक्कत है? बच्चे का मुंह देखकर, बच्चा गरीब का हो या अमीर का, बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, लेकिन बच्चा बच्चा होता है, वो भगवान का रूप होता है, और भगवान पर उंगली उठाना गायक जी आपको शोभा नहीं देता। इतना अच्छा गाते हैं और गाते गाते में ये क्या गा दिए? आप समझदार आदमी हैं, समाज से माफी मांगिए, आपको समाज प्यार देगा। हो सकता है गलती किसी से हो, और महिला गायक जो विरोध कर रही हैं, आपका धन्यवाद। आप आगे बढ़िए, आशीर्वाद है बड़े भाई का।